दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मेडिकल बॉक्स के बारे में कि मेडिकल बॉक्स में जितनी भी सेटअप है वीवो टूल, मोटो टूल, एमएमसी टूल, एफआरपी टूल, हवाई टूल, मेडिकल का मेन सेटअप, मेडिकल थंडर्स मेन सेटअप, ठीक है, इन सबको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं मेडिकल न्यू सेल सेटअप की मदद से, और मेडिकल न्यू सेल सेटअप किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं इस टूल को। तो अभी ये जो टूल है बिल्कुल लेटेस्ट निकाला है 2019 में मेडिकल टीम ने, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेडिकल का जो है मेडिकल बॉक्स का जो सेल सेटअप है, और इस सेल सेटअप की मदद से आप जो है किसी वेबसाइट से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है मेडिकल का। मेडिकल का टोटल टूल जो है आप इस सेल सेटअप की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल का टोटल मोबाइल ड्राइवर जो है आप ऑल मोबाइल ड्राइवर जो है आप इस मेडिकल सेटअप से जो है मेडिकल सेल सेटअप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सेल सेटअप को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेल सेटअप को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, और मेरी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और किस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ले सकते हैं, कोई भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर पेज, ठीक है, सर्वर क्रेडिट ये सारा जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करके आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको किसी अदर वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक मार देना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो साइट खुल चुका है सॉफ्टवेयर का, और यहाँ पे मेरा जो ये इमेज लगा हुआ है, ये फोटो मेरा है, ठीक है, और यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, जो भी सेटअप डाउनलोड करना होगा, जो भी ड्राइवर डाउनलोड करना होगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेडिकल का जो नया सेल सेटअप आया है 2019 में मेडिकल टीम ने निकाला है, उस सेल सेटअप को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेडिकल सेल सेटअप है यहां पे 2.20, ठीक है। तो इस सेल सेटअप पे आपको क्लिक करना है डायरेक्ट, और आपको डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और मीडिया फायर की लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करते ही, यहाँ पर क्लिक करते ही आप जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। आप मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम की मदद से जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, और आपको बता रहा हूं मैं किस तरह से इसे आपको यूज करना है इस टूल को, किस तरह से आपको सभी ड्राइवर और टूल आपको डाउनलोड करना है इस सेल सेटअप की मदद से, और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा है 10 मिनट का, आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस सेल सेटअप को मैं कंप्रेसर फाइल तमने से एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर में हम आ गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है सेल सेटअप यहां पे हमें मिल चुका है, और सेल सेटअप को हम यहां पे ओपन करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और हमारा बॉक्स डोंगल सब लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल बॉक्स और मेडिकल की है तो मेडिकल बॉक्स मेडिकल की लगा हुआ होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल नया थंडर है डोंगल तो आपका डोंगल लगा हुआ होना चाहिए, तभी इस टूल को आप ओपन कर पाएंगे। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये टूल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस टूल के माध्यम से जो है आप सभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिवेशन का, अपडेट डोंगल और सॉफ्टवेयर अपलोड, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद यहां से आप सभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रिफ्रेश लिस्ट, ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर रिफ्रेश लिस्ट पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद सभी सॉफ्टवेयर आपको यहां पर जो है शो करने लगेगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी सॉफ्टवेयर यहां पर शो कर रहा है, यहां पर मेडिकल थंडर का नया सेटअप, एफआरपी टूल, हवाई टूल, मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 जो लेटेस्ट अभी आया है 2019 में, ये सभी ड्राइवर आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। टोटल मोबाइल का ड्राइवर आपको मिल जाएगा, सैमसंग का ड्राइवर, ओप्पो का ड्राइवर, वीवो का ड्राइवर, एमआई का ड्राइवर, टोटल ड्राइवर का एक ही सेटअप है, और एक ही सेटअप से आप टोटल ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको कोई अलग से अदर ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने जो यहां पे एफआरपी टूल पे क्लिक मारा, ठीक है, और नीचे में यहां पे आप देख रहे हैं कि एफआरपी टूल पे मैंने डबल क्लिक में किया तो यहां पे नीचे में सेटअप मेडिकल एफआरपी टूल का यहां पे नीचे में शो कर रहा है, और डाउनलोड करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहां पे सेकंड चलेगा आपका, ठीक है, यहां पे प्रोसेस चलेगा कितना परसेंटेज डाउनलोड हो रहा है, तो ये आपको यहां पे दिखाई देगा, इस तरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर आपको बैक जाना है तो बैक जाने के लिए आपको वापस फिर से जो है आपको रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक करना होगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर उसी तरह से आपको दिखाई देगा जिस तरह से पहले आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ पे टोटल सेटअप, टोटल ड्राइवर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आप नीचे में देख रहे हैं कि अभी FRP टूल को मैंने डाउनलोड पर लगाया है, उसके बाद फिर मैंने रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट में टोटल सेटअप और टोटल ड्राइवर आ चुका है। तो मान के चलिए मेडिकल थंडर मेन सेटअप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मेडिकल थंडर मेन सेटअप यहाँ पे फोल्डर दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे में आपका FRP टूल दिखा रहा है, वीवो टूल, मोर टूल, सब उसी के अंदर में मिल जाएगा आपको। तो आप मेडिकल थंडर पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फोल्डर के अंदर में आपको दिखा रहा है थंडर अपडेट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो आपका यहाँ डाउनलोड होने के लिए आप नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मुझे अभी डाउनलोड नहीं करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। फिर से आपको रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करना है बैक जाने के लिए, यानी कि अगर आपको बैक जाना है तो आपको रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 कंपनी ने दिया हुआ है अभी, और ये 2019 का जो है लेटेस्ट सेटअप है मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00, ठीक है। और इस सेटअप के अंदर में जो है आप टोटल मोबाइल का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आपको अलग से जो है कोई भी ड्राइवर आपको इंस्टॉल नहीं करना है अपने कंप्यूटर में। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो आपको सिर्फ ये ड्राइवर चला देना है, ठीक है। टोटल ड्राइवर आपका काम करेगा, टोटल मोबाइल का, मीडियाटेक, MI, ओप्पो, वीवो, क्वालकॉम, SPD, टोटल ड्राइवर, सैमसंग का ड्राइवर, सभी इसी ड्राइवर के अंदर में है, मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 के अंदर में, इस सेटअप के अंदर में। और आपको ये सेटअप डाउनलोड होकर कहाँ जा रहा है उसे देखने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यानी जो भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हैं मेडिकल सेल सेटअप से, तो आप जो है इस सेटअप पे राइट क्लिक करके जो है आप उस फोल्डर के अंदर में जा सकते हैं, वो किस फोल्डर में डाउनलोड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपको ये सेटअप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे FRP टूल अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इसे अगर आपको स्टॉप करना है, ठीक है, तो स्टॉप करना है इस पर आप डबल क्लिक करें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये सेटअप स्टॉप हो जाएगा, ये डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए अगर आपको दूसरा वाला डाउनलोड करना है, नीचे वाला डाउनलोड करना है, तो जैसे मान के चलिए मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 हमें डाउनलोड करना है, तो इसे हमें डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे जैसे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड चल रहा है और यहाँ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होकर के कहाँ जा रहा है, तो उस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 को मैंने डाउनलोड पे लगाया था, ये डाउनलोड हो चुका है। और इसे आप जैसे आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पहले से जो है इंस्टॉल कर रखा अपने कंप्यूटर में, इसलिए मुझे यहाँ रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको रिमूव करने के लिए नहीं कहेगा, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल आपको इसी तरह से करना जिस तरह मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। चेक लगाना है आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है और उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको आप ध्यान से थोड़ा देखें यहाँ वीडियो को, और क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे देखने में तो आपको दिक्कत हो सकता है बाद में, ठीक है। तो आपको मैं अभी समझा देता हूँ अच्छी तरह से कि किस तरह से आपको ये मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि इस सेटअप के अंदर में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है कि वाई और एन, ठीक है। अगर आप एन दबाएंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, अगर वाई दबाएंगे आप, ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के लिए आपको देगा ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा, आप यस करेंगे, उसके बाद यस करेंगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद आपका ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है, ओके देना है, फिनिश करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से यानी कि अगर एक ड्राइवर आपका इंस्टॉल होता है, उसके बाद दूसरा ड्राइवर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, ओके करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है आपको, नेक्स्ट करना है। इसी तरह से आपको बारी बारी से टोटल ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है, और तब तक आपको नेक्स्ट और ओके करना है जब तक आपका फिनिश ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल ड्राइवर दिया हुआ है मेडिकल का मोबाइल ड्राइवर 1.00 जो 2019 में निकाला है इसने, ठीक है। इसमें सभी ड्राइवर है, मीडियाटेक, SPD, क्वालकॉम, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, सभी का ड्राइवर इसी सेटअप में दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरह का जो इंटरफेस आएगा, तो कंप्यूटर में आप कोई भी बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, ठीक है, तो वो गायब हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, ओके मारते चले जाना है बारी बारी से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से करना है ताकि आपका टोटल ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और कोई भी मोबाइल को जब आप बूट कराएंगे तो आपका मोबाइल पकड़े, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है। आप समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, और तब तक आपको इंस्टॉल करना है जब तक ये कंप्लीट खत्म ना हो जाए। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सैमसंग का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो सैमसंग का ड्राइवर ये इंस्टॉल हो जाएगा, उससे पहले मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा था, स्पीडी का हो रहा था, ठीक है। तो सैमसंग का हो जाएगा, उसके बाद वीवो का ड्राइवर आएगा। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, और तब तक करना है आपको जब तक ये ऑटोमेटिकली आपको लास्ट में फिनिश का ऑप्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो चलिए पहले इसे इंस्टॉल होने तक, फिर आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पे कि वीवो का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सैमसंग का जो है सैमसंग मोबाइल का जितनी भी ड्राइवर होता है वो टोटल ड्राइवर इसके अंदर में दिया हुआ है। ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिनिश जैसे करेंगे आप, फिर से अगर अगर के जो है आपके सामने जो है दूसरा जो है यहाँ पे जाकर के हाजिर हो आप यहाँ देते, फिर से नेक्स्ट करने के लिए कहा जा रहा है, फिनिश कर रहे हैं हम। फिनिश करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीवो फोन ड्राइवर इंस्टॉल होगा। ठीक है, वीवो मोबाइल का जो ड्राइवर आपका यहाँ पे जो नया नया मॉडल अभी आ रहा है, जो आपका मोबाइल बूट नहीं करता या पकड़ता नहीं है यूएसबी पोर्ट, ठीक है, उसका ये ड्राइवर है। ठीक है, इसी तरह इसको भी इंस्टॉल करना है पूरी तरह से आपको, नेक्स्ट करके उसके बाद फिनिश करना है आपको। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 2019 में जो निकाला मेडिकल टीम ने, किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और कैसे मेडिकल सेल सेटअप को यूज करते हैं, किस तरह से आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।